हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मन कुकिंग स्टाइल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। इससे पहले आपने इस रेसिपी को कभी नहीं ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया होगा तो इस स्टाइल में आपने उसे बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। ये रेसिपी फ्रेंड्स इतनी यूनिक है कि आप इसे कान्हा जी को भोग लगाने के साथ साथ खुद अपने फास्ट में भी खा सकते हैं, और ये बनाने में बिल्कुल ही इजी है। कोई भी इसे बहुत आसानी से बना लेगा, और सिर्फ 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर दूध को मैंने फाड़कर उसका पनीर निकाल लिया है। आप चाहें तो मार्केट से भी पनीर लाकर इसे बना सकते हैं। तो अब पनीर को मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है, और इसे थोड़ा सा हम इसके अंदर डालकर ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से इसे मैश करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए, और 2 मिनट में आपका पनीर बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। अगर ये प्रोसेस आप हाथ से करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पनीर अच्छे से स्मूथ भी नहीं हो पाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है पनीर को बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी स्मूथ करने का। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है, और उसमें 4 से 5 यहाँ पर हरी इलायची डाल दी है, और साथ में मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पर डाली है शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दूध को बिल्कुल अच्छे से उबाल लेना है। जब तक हमारा दूध उबल नहीं जाता, हमें अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है। दूध को बिल्कुल अच्छे से उबालना यहाँ पर ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से उबल गया है, और इस तरीके से आप एक झरनी ले लीजिए जो हम पूरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस तरीके की। और जिस तरीके से हम बूंदी बनाते हैं, बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं, वही यहाँ पर मैंने पनीर की खीर बनाने के लिए किया है। तो अब इस झरनी में थोड़ा सा पनीर लेकर मैंने इस तरीके से उसमें डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी बूंदी उसके अंदर गिर रही हैं। ये प्रोसेस फ्रेंड्स आपको बिल्कुल उबलते हुए दूध में करना है, और एक साथ पूरा का पूरा पनीर आपको ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको उसमें ऐड करना है। नहीं तो एक जगह पूरा का पूरा आपका पनीर इकट्ठा हो जाएगा और आपकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर आप इस पनीर को इसके अंदर डालते जाइएगा, जिससे पनीर की जो बूंदी बनेंगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होंगी, और खीर हमारी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। अगर आप एक ही साथ सारे बैटर को इसमें डाल देते हैं तो बूंदियाँ उसके साथ चिपकने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें डालते जाइएगा ताकि बूंदियाँ अपना स्पेस बनाती चली जाएं, और हमारी खीर एक बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस बनकर यहाँ पर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा पनीर मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है, और बिल्कुल हमारी जो पनीर की बूंदियाँ इसमें बनी हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग बनी हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं। तो इसके बाद हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए और सिम गैस पर इसे पका लेना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं हमारी बूंदियाँ कितनी परफेक्ट दूध के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, और ये आपको देखने से लग रहा होगा कि हमारा पनीर इसके अंदर बिल्कुल भी घुला नहीं है, वो बूंदी की शेप में ही आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल अलग अलग से यहाँ पर बूंदियाँ पनीर की आपको दिखाई दे रही हैं,
और अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे 2 घंटे के लिए फ्रेंड्स हम फ्रिज में रख देंगे। उससे हमारी खीर जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और खीर ठंडी ठंडी ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब खीर को मैं सर्व कर लेती हूँ एक बॉल के अंदर। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, यहाँ पर ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और इसका टेस्ट फ्रेंड्स इतना औसम आया था कि घर में किसी को पता भी नहीं चला कि ये खीर पनीर से बनी है। और इतनी डिलीशियस भी पनीर की खीर बन सकती है। तो इस जन्माष्टमी आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिए और सबसे अपनी तारीफ करवाइए। तो अब खीर को मैंने बॉल के अंदर शिफ्ट कर लिया है और ऊपर से स्प्रेड कर दिया है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। तो देख सकते हैं हमारी कितनी डिलीशियस खीर यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार इस खीर को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कान्हा जी आप सभी के जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।